वेलकम टू डिस्कवरी एंड वाई सी एल। माई नेम इज़ दुर्गेश कुमार मालवीय। जैसे आपको पता ही है कि इस चैनल के अंदर हम जो भी है अपने लेटेस्ट वीडियोज़ करंट टॉपिक के हम इसके अंदर रेगुलर हम पढ़ा रहे हैं। तो आपको इसी चैनल के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारे जो लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं वो तुम्हारे तक पहुँच पाए। ठीक है, तो चलिए आज हम जो इसे इसके अंदर स्टार्ट करने वाले हैं, वैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ कंसिडर की थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। प्रॉपर्टी नंबर 6 तक हमने इसके अंदर डिस्कस किया था, और उसके अंदर जो प्रॉपर्टी नंबर जो 6 थी वो बेसिकली क्या थी कि हम इसके अंदर टेन इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि बेसिकली टेन इनवर्स जो होता है इसके अंदर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था टेन इनवर्स क्या पढ़ा था इसके अंदर x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, इस तरह से कुछ क्वांटिटी पढ़ी थी। फिर इसके अंदर अलग अलग ब्रांचेज भी पढ़ी थी कि बेसिकली होने वाला क्या है। देखो, इसके अंदर tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y में बस इतना ही है कि जैसे tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा था, बस वही है। ज़्यादा इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है कि tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b, तो ऐसा ही है यहाँ पर। अगर बीच में दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस है, तो साथ ही साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन हम कंसिडर करने वाले हैं कि बेसिकली टेन के अंदर क्या क्या किस वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन कुछ ऐसा था क्वेश्चन कि टेन इनवर्स यहाँ पे टू था प्लस टेन इनवर्स है ना 1/2 था प्लस टेन इनवर्स √3, ऐसा कुछ इसके अंदर सिचुएशन थी। अब हमें क्या करना है, टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स √3, हमें क्या करना है बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो, इसको वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि यहाँ पर कितना दे रखा है टेन इनवर्स 2। देखो, पहली थिंकिंग तो हमारी वही है कि हम बिल्कुल बेसिक से सोचेंगे कि हमारे पास टेन इनवर्स के तीनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला है, हम क्या करेंगे कि नहीं, दो फंक्शनों को घेर के क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, और वही फॉर्मूला लगाने के बाद वापस वैल्यू इधर उधर सब्सटीट्यूट करके हम फाइनली क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो देखो, एक तरीके से हम यहाँ सोचें कि ये जो लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1/2, इसको थोड़ी देर के लिए अगर कॉट इनवर्स 2 लिखा जाए, क्योंकि हमें पता ही है कि अगर x पॉजिटिव होता है तो tan इनवर्स x का जो आउटपुट आया करता है वो cot इनवर्स से 1/, यानी कि tan इनवर्स 1/x का जो आउटपुट है वो cot इनवर्स x आया करता है, जो अभी हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर भी देखो ऐसा ही कुछ सीन बनने वाला है। अब देखो, यहाँ पर tan इनवर्स 2 और cot इनवर्स 2, इन दोनों का अगर मैं मिलाऊँ तो इन दोनों का जो आउटपुट मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, π/2। अब ये π/2 हो गया, और साथ ही साथ tan इनवर्स इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो क्या है, tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 ये π/2, और ये हो जाएगा π/3, π/2 प्लस π/3, LCM आ गया इसके अंदर 6, तो ये हो जाएगा 3π प्लस 2π, यानी कि 5π/6 का आंसर आने वाला है अपना 5π/6। तो इस तरह से भी क्वेश्चनों को हम अप्रोच कर देते हैं किसी भी तरह से आइडेंटिटी से घुमा के। बाकी तो अपने पास देखो तड़ी पार मेथड है ये कि हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का कि नहीं दो के अंदर घेर के फॉर्मूला बना देंगे, फिर तीसरे को भी इसके साथ मर्ज करके हम फाइनली इसका क्या करेंगे, आंसर देने की है ना, आंसर देने का कोशिश करेंगे। अब इसके अंदर और भी हम इसके अंदर कुछ क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, जैसे कि अगर मैं नॉर्मल इसके अंदर कंसिडर करूँ एक क्वेश्चन, तो जैसे नॉर्मल यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी इक्वल्स टू π/2। तो थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं कि साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी इक्वल्स टू कितना दे रखा है, π/2 दे रखा है। साथ ही साथ इसके अंदर sec इनवर्स ए प्लस cosec इनवर्स बी ये भी कितना दे रखा है, साथ ही साथ π/2 दे रखा है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। तो देखो, a प्लस बी की वैल्यू बतानी है, इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं 2, सेकेंड ऑप्शन ले लेते हैं 1, थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं 0,
और फोर्थ ऑप्शन ले लेते हैं नॉन ऑफ दिस। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता ही है कि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, देखो साइन इनवर्स ए और बी ये तो तभी हुआ करता है पाई बाई टू जब ये दोनों आपस में क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे, यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजिकल्स टू क्या रहा होता है पाई बाई टू। इसका मतलब दोनों ही इनपुट आपस में क्या रहा करते हैं, दोनों ही इक्वल रहा करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड के अंदर भी सेम चीज़, ये दोनों पाई बाई टू तभी रहा करते हैं जब इन दोनों की दुनिया भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि ए इक्वल्स टू बी हुआ करता है, क्या हुआ करता है ए इक्वल्स टू बी। तो देखो ए इक्वल्स टू बी होने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ए और बी ये बेसिकली पहले वाले फंक्शन के अंदर किस डोमेन में आ रहे हैं और सेकंड वाले के अंदर किस डोमेन में आ रहे हैं। तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो जो ए कॉमा बी है वो माइनस वन से वन रहा करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की बात करूँ तो दोनों के अंदर ये वैल्यू माइनस वन से वन रहा करती है। सेम थिंग अगर मैं सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स वाई, यानी कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करूँ तो इन दोनों के अंदर ही जो ए कॉमा बी है वो दोनों के दोनों बिलोंग्स टू इसके अंदर क्या, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इन्फिनिटी रहा करते हैं। देखो ये चीज़ पता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और वन से इन्फिनिटी, और इसकी दुनिया माइनस वन से वन होती है। देखो अगर इन दोनों को एक साथ होना है साइमल्टेनियसली हमें क्या करना है, इस आइडेंटिटी को ट्रू होना है, ए को बी के इक्वल होना है, वो तभी हो सकता है जब या तो ए और बी दोनों के दोनों क्या हो, वन हो एट ए टाइम, या फिर ए और बी दोनों के दोनों एट ए टाइम कितना हो, माइनस वन हो। तो दोनों ए और बी अगर वन होंगे तो आंसर कितना आएगा टू, जब ए और बी दोनों माइनस वन होंगे तो आंसर कितना आएगा माइनस टू। तो ऑप्शन के अंदर जो हमें दे रखा है उसको हम टिक करेंगे कि बेसिकली ए प्लस बी की वैल्यू इसके अंदर कितनी टू रहने वाली है। ठीक है, इसके अंदर और भी हम कुछ क्वेश्चंस कंसिडर करते हैं, जैसे नॉर्मली अगर इसके अंदर अगर हम कंसिडर करें जैसे एक वेरिएबल टाइप कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे टेन इनवर्स, इसके अंदर कुछ वेरिएबल टाइप्स अगर क्वेश्चन कंसिडर करें तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल्स टू पाई बाई फोर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रहने वाली है, यानी कि टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल्स टू कितना दे रखा है पाई बाई फोर दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है इसके अंदर एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो इसके अंदर एक्स की वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का बिल्कुल जनरल वाला हम इसके अंदर फॉर्मूला कंसिडर करते हैं। तो इसके अंदर क्या फॉर्मूला रहने वाला है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो इसके अंदर हो जाएगा टेन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, साथ ही साथ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू ऐसा कुछ, और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देते और ये वाली जो क्वांटिटी है वो किसके इक्वल है पाई बाई फोर के इक्वल है। अब क्या कर देते हैं टेन को थोड़ी देर के लिए उस साइड में भेज देते हैं, तो यहाँ पर ये टेन इनवर्स उधर जाएगा तो टेन पाई बाई फोर यानी कि वैल्यू कितनी बनेगी वन बनेगी। साथ ही साथ मैं ऊपर इसके अंदर क्या कर देता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ, तो मैंने इसके अंदर एलसीएम कंसिडर किया, जो एलसीएम ले रहे हैं हम इसके अंदर वो ले रहे हैं एक्स माइनस टू और यहाँ पर हो गया एक्स प्लस टू, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलने वाली है वो कुछ ऐसी मिलने वाली है एक्स माइनस टू से डिवाइड किया तो यहाँ पर मिला एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू, साथ ही साथ प्लस एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू ऐसा कुछ मिला। इसी तरह से होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी सेम थिंग, यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू और यहाँ पर क्या कर दिया एक्स प्लस टू, ये एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर भी जो क्वांटिटी मिलने वाली है वो मिलने वाली है एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू और ये एक्स प्लस टू यहाँ पर, और माइनस ये एक्स माइनस वन था ही और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन इस तरह से यहाँ पर।
और एक ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसका मतलब जैसे ये वैल्यू 1 के इक्वल मिली है, अब इसको क्या कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, अपॉन की जो वैल्यू है x माइनस टू और x प्लस टू, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगी तो ऊपर जो बचा है इसको थोड़ी देर के लिए सॉल्व कर देते हैं। तो ये यहाँ पर जो वैल्यू मिली एक्स स्क्वायर, क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का एक्स और ये माइनस टू होल डिवाइडेड बाय कितना मिला। देखो x माइनस टू और x प्लस टू, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या मिला x स्क्वायर माइनस फोर और यहाँ पर मिला x स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो देखो 1 के इक्वल है तो यहाँ पर ये वाली जो क्वांटिटी है वो कुछ कैंसिल आउट हो जाएगी, x स्क्वायर से x स्क्वायर वैसे ही पहले से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर जो ऊपर जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, 2x स्क्वायर, साथ ही साथ हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर मिला x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर साथ ही साथ 2x माइनस x, यहाँ पर प्लस का x और यहाँ पर जो वैल्यू मिली है वो कितना हो जाएगा माइनस का x, यानी कि ये वाली दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पर जो ये वैल्यू है दोनों के दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे ही हमने इसको दोनों को कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ पर साथ ही साथ प्लस का 2 और माइनस का, माइनस 2 और माइनस 2, ये हो गया माइनस का 4 इक्वल्स टू, यहाँ पर जो वैल्यू मिली है वो कितना होगा, यहाँ पर माइनस का 3, माइनस का 4 और प्लस का 1, यानी माइनस 3 तो उधर गया, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3। का मतलब देखो यहाँ पर माइनस 2 और तो कुछ वैल्यू है नहीं, एक्स स्क्वायर ये आपस में कैंसल आउट हो गया, तो माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो गया माइनस का 4, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू ये वाली जो वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी मिल जाएगी, माइनस का 4 और प्लस का 1 यानी कि माइनस 3, यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 4 यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिलने वाला 1, यानी कि x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो इस तरह से बोर्ड लेवल पे वैसे ये क्वेश्चन सही था कि बोर्ड में इतना 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से बना जाता है। तो वहाँ पर हमने क्या एक प्रॉपर्टी यूज़ की है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को अप्रोच करने के लिए हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही अपने आप में इजीली है, इसको जिसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ वेरिएबल बेस भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि tan इनवर्स, कुछ वेरिएबल बेस क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन tan इनवर्स, अगर इसके अंदर मैं कंसिडर करूं रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, अगर मैं इस तरीके से कंसिडर करूं और साथ ही साथ मैं बताऊं कि थीटा की वैल्यू पाई से छोटी है, थीटा इज लेस देन पाई, जो थीटा है वो क्या है पाई से छोटा है, तो वैसे कंडीशन का तो कोई मीनिंग है ही नहीं, क्योंकि tan इनवर्स के अंदर वैसे ही जो क्वांटिटी है रूट वाली मॉड्यूलस के साथ ओपन होने वाली है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाले जो क्वेश्चन है इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हाफ एंगल फार्मूलाज है, तो वो सारी चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, tan इनवर्स x को तो ऐसे कैसे लिखा बाहर, tan इनवर्स तो ऐसे कैसे, अब देखो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो अपने आप में कैसे ओपन होने वाली है। अब हमें पता है कि 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हुआ करता है, ये हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसी तरह से यहाँ पर भी 1 प्लस cos थीटा ये हुआ करता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हाफ एंगल फार्मूला कंसिडर किया कि cos वाले जो हाफ एंगल फार्मूले वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और साइन अपॉन cos ये हो गया 10, तो इसका मतलब ये हो गया tan इनवर्स। अब क्या हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2, जब रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या रखा है कि जो थीटा है वो क्या है पाई से छोटा, पाई से छोटा का मतलब कि थीटा बाई 2 की वैल्यू वैसे ही पाई बाई 2 से छोटी, और तुम्हें पता ही है कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा की जो रेंज हुआ करती है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हुआ करती है। इसका मतलब अगर हम इस फंक्शन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट होगा, यानी कि जो इसका इनपुट है वही इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आ जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर आ गया थीटा बाई
आंसर कितना मिल गया, थीटा बाई टू। देखो वेरिएबल बना के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए x मान लिया था, है ना, cos थीटा को क्या कर देते, माना कि x मान लेते और फिर पूछते कि बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला, तो हमको क्या करते x को वही cos थीटा मानते, तो थीटा की वैल्यू वापस यहाँ पर cos इनवर्स x रख लेते। तो बस वही बात है कि यहाँ पर गलती से कभी ऐसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि इसकी जगह वेरिएबल डाल दिया कि माना कि x है क्वेश्चन में, कि रूट ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स है, तो हमने क्या कर दिया फाइनली x को क्या कर दिया cos थीटा मान लिया। तो फाइनली जैसे ही हम x को cos थीटा मानेंगे तो यहाँ पर फाइनली थीटा की वैल्यू हम cos इनवर्स x रख के इस तरह से क्वेश्चन हम इसके अंदर सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के इस अंदर ना बहुत ही इजी क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, ठीक है। और भी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको हम सॉल्व, जैसे एक आध और क्वेश्चन हम जैसे बोर्ड लेवल का एक और इसके अंदर क्वेश्चन करते हैं वो भी वैल्यू बेस्ड। जैसे कि हम बात करें tan इनवर्स 2x क्वेश्चन की, अगर हम बात करें tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x की बात करें, तो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं, पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 लिया तो इसके अंदर भी हमें क्या करनी है, x की वैल्यू बतानी है कि बेसिकली इसके अंदर भी x क्या रहने वाला है। तो इसके अंदर देखो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही बात कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया, तो tan इनवर्स क्या मिलने वाला है, 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू x, तो ऐसा कुछ बनने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर वैल्यू क्या है, पाई बाई 4। अब आगे क्या, वही काम, tan पाई बाई 4 ये इधर जंप कराया तो ये वैल्यू किसके इक्वल मिलने वाली है, 1 के इक्वल, यानी कि यहाँ पर ऊपर मिला है 5x अपॉन 1 माइनस ये हो गया 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू मिल गई। तो इसका मतलब ये हो गया 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ बन दिया। अब देखो इसके फैक्टर करना तो बहुत ही ईजी है ना, एक क्वाड्रेटिक बन गई, इस क्वाड्रेटिक को अगर फैक्टराइज करें तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू कितना, 0। इन दोनों में से क्या कर दिया, 6x कॉमन ले लिया तो क्या मिला, x प्लस 1, और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी x की दो वैल्यू मिली, एक तो मिली x इज इक्वल्स टू माइनस 1 और दूसरी इसके अंदर जो x की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, 1/6, तो माइनस 1 और 1/6। इस तरीके से भी क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर कि हम क्या करते हैं tan इनवर्स वाला फार्मूला लगा लेते हैं ना, ये वाला फार्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें फाइनली करना क्या है, tan इनवर्स a, वही tan a प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट ही है, उस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर फॉर्मुलेट करके फाइनली हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह से इसके अंदर देखो और भी है, जैसे कि एक दो क्वेश्चन हम करते हैं और इसके अंदर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इक्वल्स टू 7π/4, ठीक है। इसके अंदर मैंने कंसिडर किया 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इक्वल्स टू 7π/4, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसके अंदर भी x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर क्या कंसिडर करने वाले हैं कि हमें पता है कि tan इनवर्स x, एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इसकी वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल रहा करती है, और साथ ही साथ पता है कि इसके अंदर x की वैल्यू कोई भी ऑल रियल वैल्यूज इसके अंदर इसके डोमेन में हम क्या करते हैं कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को बनाने के लिए, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर दो फंक्शन है तो दोनों फंक्शंस के अंदर हमें क्या करना है कि x को घेर के फाइनली हम क्या करेंगे कि x तक पहुंचना है कि इसके अंदर x की वैल्यू क्या रहने वाली है। तो मैंने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को थोड़ी देर के लिए यूज़ करने के लिए मुझे पता है कि यहाँ पर जो cot इनवर्स है वो बेसिकली 3 times है, यानी कि 3 times ऑफ cot इनवर्स x है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी मुझे 3 times ऑफ tan इनवर्स x क्या कर देता हूँ, cot इनवर्स x के साथ में कंसिडर कर लेता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया 3 times ऑफ tan इनवर्स x प्लस 3 times ऑफ cot इनवर्स x, इन दोनों को साथ में ले लिया, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में दे रखा था वो दे रखा था 5 tan इनवर्स x, तो मैंने क्या कर दिया साथ ही साथ इसके अंदर 2 tan इनवर्स x वाला जो वैल्यू है वो क्या कर दी साथ में ऐड कर दी,
और इसका जो आउटकम्स है वो कितना दे रखा है, 7π/4, ये वाली वैल्यू दे रखी है 7π/4। लेकिन हमें ये भी पता है कि बेसिकली इसके अंदर 3 tan inverse x + 3 cot inverse x, इसकी जो वैल्यू रहने वाली है वो 3 कॉमन ले लिया, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये वाली वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वेलेंट रहने वाली है, तो इक्वल्स टू ये दे रखा है 7π/4, और साथ ही साथ ये हो गया 2 tan inverse x। अब इसका मतलब 2 tan inverse x इक्वल्स टू 7π/4 माइनस ये हो गया 3π/, तो इस तरह से यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मिल गया ये 7π - 4π और 4 एलसीएम आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 साथ में एलसीएम ले लेते हैं, और ऊपर जो वैल्यू मिली है 7π - 6π यानी कि π/4, यानी कि 2 tan inverse x है ना, 2 tan inverse x इजिकल्स टू कितना मिला है, π/4 मिला है। अब फाइनली हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो x तक हमें अप्रोच करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, tan inverse x को इसके अंदर घेर लिया हमने, तो tan inverse x इक्वल्स टू ये वाली जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई π/8, तो इसका मतलब x इजिकल्स टू tan π/8 की वैल्यू हमें पता है कि tan π/8 का मतलब अप्रोक्सीमेट 22.5 डिग्री 22.5, इसकी जो वैल्यू रहा करती है वो होती है √2-1, तो √2-1 यानी कि x इजिकल्स टू tan π/8 इक्वल्स टू √2-1। तो इस तरीके से ये थोड़े ये जो क्वेश्चन था वो ज़्यादातर JEE के पैटर्न का था, कि मतलब JEE के अंदर बेसिकली tan इनवर्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि आंसर बोर्ड में कैसे पूछे जाने हैं और JEE में कैसे पूछे जाने हैं। बोर्ड के अंदर बिल्कुल वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि इसके अंदर x कितना रहने वाला है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं। देखो एक और JEE की एक अप्रोच हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं इसमें cot inverse of इसके अंदर ले लेते हैं cot inverse of n upon pi, और ये वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है π/6 से, cot inverse n upon pi is greater than π/6, जहाँ n कोई भी नेचुरल नंबर है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो तुम्हें बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहने वाली है। तो बहुत ही देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से हम अप्रोच करेंगे कि बेसिकली ऐसा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसके अंदर एक दो बातें और भी सीखेंगे जो हमने जब ग्राफ पढ़े थे इनवर्स फंक्शंस के अंदर, उसके अंदर हमने क्या क्या कंसिडर किया था, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर क्या रहने वाला है, कि सबसे पहले हम कॉट को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिली है एन अपॉन पाई, और जैसे ही कॉट उधर चला गया तो कॉट पाई बाई सिक्स, ये वाली वैल्यू मिल गई कॉट पाई बाई सिक्स। अब देखो एन अपॉन पाई कॉट पाई बाई सिक्स और बीच में क्या है, ग्रेटर देन साइन, लेकिन हमेशा पता है कि कॉट इनवर्स जो एक्स होता है वो ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन रहा करता है। हमने जब कॉट का ग्राफ देखा था तो कॉट इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर कॉट को चेंज कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमेशा चेंज होता है, तो ग्रेटर देन वाला साइन क्या हो गया, लेस देन वाला, बस क्वेश्चन यहीं मार खा जाता है। गलती होती है वो यहीं होती है कि हम जो डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर जब साइन इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा या नहीं होगा, ये चीज़ें ध्यान रखने की हैं। तो इसका मतलब एन अपॉन पाई की वैल्यू मिल गई कॉट पाई बाई सिक्स, और ये कॉट पाई बाई सिक्स यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू √3 रहा करती है, तो ये हो गया एन, ये वाली जो वैल्यू रह गई एन की वैल्यू वो किसके इक्विवेलेंट हो गई, एन इज लेस देन π√3 1.7 × 3.14। फाइनली इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली जो वैल्यू है एन वो 5 point something, ये वाली जो वैल्यू है वो 5 point something होती है, तो इसका मतलब 5.43 कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि जो एन है वो 5.3 से क्या है, छोटा है। सोचो एन कोई भी नंबर है वो 5.3 से छोटा है, तो एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी एग्जिस्ट करती है, 5, यानी कि 5 वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है जो 5.3 से छोटी है। वैसे तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में इसने कह रखा है
कि एन एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर होता होगा तो इसका मतलब हम डेसिमल में कंसिडर नहीं करेंगे। तो बहुत ही एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका फाइनली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और थोड़ा रेंज वाला एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसके अंदर हम एक क्वेश्चन अप्रोच करते हैं, टेन इनवर्स रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, इस फंक्शन की हमें क्या करनी है, रेंज निकालनी है। तो देखो, रेंज निकालने से पहले देखो, जब भी मैं बात करता हूँ रेंज और डोमेन की, तो एक स्टेटमेंट मेरा साथ में जरूर होता है कि जितने भी फंक्शनों के रेंज और डोमेन निकालने, तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि इनपुट डेटा कितना होता है। इनपुट जितना होगा उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम और मैक्सिमम आउटपुट जनरेट होगा। तो इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज निकालने के लिए सबसे पहले इनपुट बाउंड करना पड़ेगा कि इस फंक्शन को जो इनपुट जाने वाला है डेटा वो कौन कौन सा है। जैसे ही इनपुट के बारे में पता चल गया तो हम आराम से उस फंक्शन के क्या कर सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइन और कॉस इनवर्स की अगर बात करें तो इसकी दुनिया एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन रहा करती है, यानी कि माइनस वन से वन इस फंक्शनों के लिए साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स हमेशा माइनस वन से वन इनपुट लिया करता है। और टेन इनवर्स एक्स के लिए तो रियल नंबर है, लेकिन इनपुट जब इसका इतना जा रहा है तो सभी फंक्शनों का सेम ही जाएगा। तो हमें पता है कि ये वाला जो फंक्शन तो है, एक आइडेंटिटी बन गई कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो हमेशा पाई बाई टू रहा करता है, तो अपने डोमेन में ये वाला वैल्यू जो है पाई बाई टू हो गई। साथ ही साथ टेन इनवर्स एक्स को जो इनपुट जाने वाला मसाला है वो माइनस वन से वन है। तो जब इसको माइनस वन से वन मिला तो टेन इनवर्स एक्स ने जो आउटपुट जनरेट किया, तो टेन इनवर्स एक्स जब इसको माइनस वन मिला तो इसने आउटपुट दिया माइनस पाई बाई फोर, जब इसको वन मिला तो इसने आउटपुट दिया प्लस पाई बाई फोर। यानी कि इसने, इसका आउटपुट तो हमें पता चल गया कि एक आइडेंटिटी फंक्शन है जो हमेशा पाई बाई टू देने वाला है, और यहाँ पर भी हमने पता कर लिया कि माइनस वन से वन जब इसको इनपुट मिलने वाला है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट आने वाला है वो माइनस पाई बाई फोर से कितना, पाई बाई फोर रहने वाला है। तो चलो इसके अंदर अब हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ऐड सब्ट्रैक्ट वाला काम कर देते हैं। ये 90 माइनस 45 तो कितना हो गया 45, और साथ ही साथ 90 और प्लस पाई बाई फोर तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई फोर। इसका मतलब 3 पाई बाई फोर ये फाइनली इस फंक्शन की क्या हो गई, रेंज ऑफ दिस फंक्शन बिलोंग्स टू दिस। तो इस तरह से कुछ जेई की जो अप्रोच होती है उसको, इस तरह के क्वेश्चनों को हम इस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो इसका मतलब इस तरह से हमने क्या कर दिया, फाइनली इसका आंसर तक पहुंच पाए। अब देखो, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसके अंदर और हम कंसिडर करने वाले हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर साइन इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ कंसिडर करते हैं अपने लिए। प्रॉपर्टी नंबर सेवन, प्रॉपर्टी नंबर सेवन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर सेवन जो रहने वाली है P7, वो क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पर कुछ रहने वाली है। यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ये क्या रहा करता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो रहा करती है साइन इनवर्स, इसके अंदर भी कुछ ब्रांचेज होती है कि कहाँ पाई का गैप होता है, कहाँ डायरेक्टली वैल्यू आती है। तो इसका मतलब इसकी भी दो ब्रांचेज है, इसका डायरेक्टली आउटपुट साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, साथ ही साथ यहाँ पर बीच में आता है प्लस वाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से इसके अंदर क्या कर दिया हमने, फाइनली इस तरह से इसको लिख दिया कि इस तरीके से इसका आउटपुट आने वाला है, और साथ ही साथ इसके अंदर ऐसा कुछ हो गया। और इसके अंदर जो कुछ इनपुट वैल्यू होती है वो भी बाउंड होती है कि दोनों के दोनों क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यानी कि x, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है। यानी कि x और y की जो दोनों वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। साथ ही साथ इसके अंदर जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू वन, ये प्रॉपर्टी याद रखने के लिए हमें इसकी जो x की जो वैल्यू है, इसका जो इनपुट है और आउटपुट है, उसके बारे में हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि वो कितना आने वाला है। साथ ही साथ देखो इसके अंदर क्या होने वाला है कि माइनस वाली अगर कंसिडर करें तो दूसरी वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो पाई माइनस करके आती है,
साइन इनवर्स वो सेम है इसके अंदर, एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या है, एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, साथ ही साथ इसके अंदर क्या रहने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लेस देन इक्वल्स टू वन है, तो ये वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन वन रहने वाली। तो इसका मतलब इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें कंसिडर की हैं कि इसके अंदर क्या रहने वाला है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, पाई माइनस साइन इनवर्स ऐसा कुछ कहा है, और ये वैल्यू क्या है, वन से बड़ी है। देखो ज़्यादातर जो काम आने वाली है प्रॉपर्टी, वो हम ज़्यादातर देखो जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जिसका ज़्यादा यूज है, वो चीज़ मैं साथ में भी डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा काम आने वाली है और उसको कहाँ यूज में लेना है। तो साइन इनवर्स एक्स, और सबसे पहली बात तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई है, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए तो उसको ट्राइंगल बना के कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि कॉस से जो क्वेश्चन हो जाता है वो बहुत ही सॉरी टेन से टेन में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है उसको टेन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि टेन के अंदर जो आइडेंटिटी होती है वो ईजी होती है और उसको लर्न भी कर सकते हैं, लर्न करने की जरूरत ही नहीं, वो चीज़ें हमें पता ही है कि टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी जैसी कोई सिचुएशन बनती है। तो इसके अंदर कुछ माइनस वाली प्रॉपर्टी भी है कि यहाँ पर अगर मैं साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स अगर मैं वाई कंसिडर करूँ तो बस फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, आइडेंटिटीज़ आज भी अपनी आइडेंटिटीज़ इसके अंदर, और सबसे पहले सबसे बड़ी बात इसके अंदर हम एक ही आइडेंटिटी कंसिडर करेंगे और वो भी लेस देन इक्वल्स टू वाली कंडीशन के लिए, क्योंकि ये जो पहली वाली जो कंडीशन है ये इसके बी हाफ पे जो सारी की सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है। तो यहाँ पर भी हम इसको कंसिडर करेंगे, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सेम थिंग ऊपर वाला ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा इसके अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर जो वैल्यू मिलने वाली है वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू वन। तो इसका मतलब देखो ये बहुत ही यूजफुल है कि इसके अंदर एक ही चीज़, देखो हमेशा मैंने कहा ऊपर वाले में भी याद यही रखनी है और नीचे वाले में भी एक ही याद रखनी है, ठीक है, कंडीशन तो वैसे ही गेर के पता चल जाएगा कि जब अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन बनता है तो ये कंडीशन याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि x और y, इसके अंदर भी x y दोनों पॉजिटिव होते हैं, साथ ही साथ पहली वाली चीज़ें हमेशा इसके अंदर याद रखनी है, सेकेंड वाली जो रेयर केस में कभी कभी देखने को मिलती है इसका यूज़ भी इतना नहीं है। सेकेंड जो हम पढ़ने वाले हैं, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, देखो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y दोनों में देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो देखो यहाँ पर जो माइनस है तो यहाँ पर भी इसके अंदर माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी इसके अंदर हम कंसिडर क्या करते हैं, इसके अंदर हम माइनस कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या हो गई, माइनस हो गई, यहाँ पर भी ये वाली वैल्यू क्या हो गई, माइनस। अब हम बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो इसके अंदर जो होता है देखो कॉस इनवर्स एक्स माइनस बीच में क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी कुछ दो ब्रांचेस हम बना देते हैं, तो पहले के अंदर जो आंसर आने वाला है वो कॉस इनवर्स, देखो यहाँ पर एक्स फिर रूट ऑफ वाई के अंदर कुछ कंडीशन फिर प्लस वाई और रूट के अंदर कुछ एक्स, यानी कुछ ऐसा ही लग रहा है साइन टू थीटा जैसा, है ना, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जैसी सिचुएशन ही बनने वाली है। टेन के अंदर भी हमने देखा था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, वो भी टेन ए प्लस बी जैसा ही उसका कुछ पैटर्न होता है। यहाँ पर भी क्या है, ये कॉस इनवर्स हो गया, यहाँ पर क्या हो गया एक्स वाई, देखो इसके अंदर यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, तो एक्स वाई प्लस रूट ऑफ हो गया वन माइनस वाई स्क्वायर और साथ ही साथ रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमने कंसिडर कर दी। साथ ही साथ इसके अंदर ध्यान रखने वाली जो बात है कि एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई, इसके अंदर जो एक्स होता है वो वाई से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई, और इसके अंदर जो आंसर आ जाता है देखो यहाँ पर जब एक्स जब वाई से बड़ा होता है तब आंसर आता है वो यहाँ पर माइनस साइन के साथ आता है, ठीक है, ये माइनस साइन हमेशा ध्यान रखना, और साथ ही साथ ये वाला प्लस आता है आंसर कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर और रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, साथ ही साथ एक्स इज ग्रेटर देन है और यहाँ पर क्या है
लेस देन इक्वल्स टू वाई, और जब लेस देन इक्वल्स टू वाई होता है तब क्या होता है, जितना इनपुट होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होता है उस तरह से हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें प्लस वाला सीन भी क्रिएट करना है तो देखो यहाँ पर माइनस से क्या मिला, प्लस मिला, तो यहाँ पर जो प्लस वाली जो क्वांटिटी होगी प्लस से क्या मिल जाएगा हमें, माइनस मिल जाएगा। तो साथ ही साथ अगर हमें यहाँ पर प्लस वाला, अगर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई जैसा कुछ फॉर्मूला अगर बनाना, तो इसके अंदर भी एक सिंगल फॉर्मूला होता है, बस डिटो ऐसे कैसे लिख लो यहाँ पर, है ना। इस जैसे सेकंड प्लस साइन के साथ आएगा, ये भी प्लस साइन के साथ आ जाएगा, कॉस इनवर्स क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स, और सेम थिंग जो ऊपर लिखी हुई है एक्स वाई, देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगा, रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर और वन माइनस एक्स स्क्वायर, साथ ही साथ एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है। इस तरीके से इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं इसके अंदर, तो सारी चीज़ें हम इसके अंदर वैसे ही डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये एक क्वेश्चन है इसके अंदर, जैसे हम कंसिडर करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इस प्रॉपर्टी का, साइन इनवर्स, एक क्वेश्चन लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। अब हमें क्या करनी है, एक्स की क्या करनी है, इसके अंदर वैल्यू निकालनी है कि इस रेंज के अंदर एक्स क्या रहने वाला है। तो वही हमें पता ही है साइन इनवर्स एक्स के अंदर कि देखो यहाँ पर सबसे पहले साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहने वाला है, देखो इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान ले और इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान ले, वाई मान ले, तो ये वैल्यू मिलने वाली है एक्स 3/5 और फिर रूट ऑफ वन माइनस 3/5 का क्या होल स्क्वायर, तो ये वाली जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट कितनी मिलने वाली है 12/, है ना। देखो इसके अगर ट्रिपलेट की बात करें तो यहाँ पर देखो साइन थीटा, और अगर हम ट्रिपलेट की बात करें तो इसके अंदर अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा 3/5 और बेस कितना मिल जाएगा 4 अगर ये वाला थीटा है, तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू इसके अंदर। इसी तरह से हम यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बना के यहाँ पर भी अगर हम साइन थीटा कंसिडर करें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 5/13, तो ये बेस मिल जाएगा 12। तो इसी तरह से यहाँ पर भी थीटा है, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर साइन इसका लिया है तो हम कॉस इसका लेंगे, तो कॉस की वैल्यू यहाँ पर लेके हम बता सकते हैं कि ये कितना कुछ रहने वाला है। तो साइन अगर यहाँ से ले लिया तो कॉस यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ पर 12/13 ऐसा कुछ मिल जाएगा। फिर बीच में यहाँ पर देखो साइन है तो यहाँ पर कितना बीच में प्लस आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से हमने कॉस चुरा लिया 4/5, है ना, यहाँ से ऊपर से अगर हमने कॉस चुरा लिया 4/5, तो यहाँ पर 5/13 नेक्स्ट वाली वैल्यू जो साइन है वो दे ही रखा है 5/13, ठीक है। तो ये साइन है, इधर से साइन, इधर से कॉस, फिर प्लस, इधर से कॉस, उधर से साइन, इस तरह से हमने क्या कर दी, वैल्यू कंसिडर कर दी, और यहाँ पर जो इसका आउटकम्स है वो कितना मिलने वाला है साइन इनवर्स एक्स इस तरह से। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं एक्स रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर ऐसा कुछ, फिर प्लस y रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, बस वही बात है, क्योंकि दोनों तरफ से ट्रायंगल बना के अगर धीरे धीरे जब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो वैसे डायरेक्टली तुम आंसर ही लिखने वाले हैं उसके अंदर। तो देखो यहाँ पर ये फाइनली जब तुम सॉल्व करोगे तो 56/65 जैसी कुछ वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स, यहाँ पर 56/65 ऐसी कुछ वैल्यू आएगी, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना साइन इनवर्स एक्स। तो जैसे ही कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यू इसके अंदर मिल गई 56/65, कुछ एनसीईआरटी जैसा एक क्वेश्चन ही था कि 56/65 इस तरीके से हम डायरेक्टली इसको मैन्यूपुलेट कर सकते हैं कि 56/65 ये अपना आंसर रहने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर कुछ टफ ऐसी कुछ बात हुई नहीं है, बहुत ही इजी अप्रोच है, और इस तरह से हम क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम कंसिडर करते हैं कि बेसिकली इसके अंदर और भी कुछ साइन इनवर्स के रिगार्डिंग भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे मैं बात करूं टेन इनवर्स की, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये जो कुछ प्रॉपर्टी है कुछ नोट टाइप में लिख ही लेते हैं कि इसके अंदर कुछ खास, जैसे कि तीन टर्म अगर होती है साथ में, अगर इस तरीके से अगर हम कंसिडर करें कि टेन इनवर्स के अंदर अगर हम ले टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड
अगर तीनों चीजें एक साथ होती है तो हम इसके तीनों के अंदर देखो हमें एक चीज पता है कि किन्हीं दो के साथ इनवर्स का फॉर्मूला लगा के फिर लास्ट में क्या कर सकते हैं, तीसरे के साथ भी इसको अप्रोच करवा सकते हैं। तो फाइनली जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन इनवर्स, ऐसे ही लिख सकते हैं हम, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ऐसी कोई सिचुएशन इसके अंदर, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहाँ पर जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है कि एक्स वाई और जेड ये सबको तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, और साथ ही साथ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन वन। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखो फर्स्ट के अंदर भी हमने पढ़ा था कि एक्स प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स वाई, जब वन माइनस एक्स वाई जैसी चीज़ होती है तो एक्स वाई जो होता है वो लेस देन क्या होता है, वन होता है। तो कुछ कंडीशंस याद रखोगे साथ में तो इसके लिए हमारे लिए बहुत ही ईजी रहेगा कि हम इसके अंदर डायरेक्टली कुछ मैनिपुलेशन कर पाए। Thank you.